दोस्तों, मेरा फर्स्ट वीडियो किस तरीके से वायरल हुआ, ठीक है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि सभी के एक मन में इच्छा रहता है कि मेरा वीडियो कब वायरल होगा। क्योंकि वायरल तभी होता है जब आपका वीडियो का किसी को नीड रहता है, मतलब किसी को चाहिए वो वीडियो और यूट्यूब में वो वीडियो नहीं है। तो किस तरीके से आपका वीडियो मतलब वायरल होता है और आपको किस तरीके से मतलब आपका चैनल एक ही वीडियो से मोनेटाइज हो सकता है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरा वायरल वीडियो का पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरा वीडियो किस तरीके से वायरल हुआ और कौन से टाइम में मैं अपलोड किया तो अब मेरा वीडियो वायरल हुआ, ठीक है। तो मेरे अभी के टाइम पे मेरे चैनल में जो वीडियो सबसे वायरल है उस वीडियो को लेकर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो वो वीडियो है, मैंने करीब एक साल अभी तक नहीं हुआ, 6-7 महीने हुआ है तब मैंने वीडियो मेरा अपलोड किया था। तो वो था जियो ट्यून के लेके। जियो ट्यून तभी सेट नहीं हो रहा था, जियो ट्यून सेट होने में प्रॉब्लम कर रहा था। मैं कोई भी हैक्स नहीं बताया इसके अंदर, कोई भी मतलब जो भी जेन्युइन हुए है वही बताया, ठीक है। तो उसके बाद वो जो जियो ट्यून सेट होता था एक ही होने लगा, उससे मेरा जो वीडियो थोड़ा बहुत डाउन चला गया, ठीक है। तो अभी भी मेरे चैनल में उस वीडियो में व्यू आता है। तो उस वीडियो से मैं अपने कितने अर्निंग किया हूँ और क्या क्या सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और आपका वीडियो किस तरीके से वायरल जा सकते हैं वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप आखिर देखते रहे। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपका जो वीडियो वायरल जाता है, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे क्या किया था, मैं जो पब्लिक का नीड था कि उस टाइम जियो ट्यून सेट नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे मैं छोटा सा वीडियो बनाया, छत पे गया और वहाँ पे जाके माइक लेके रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दिया, ठीक है। ये माइक भी नहीं था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे कुछ खरीदा, मतलब ट्राईपॉड, लाइट, बैकड्रॉप भी खरीदा था। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से बैकड्रॉप भी मतलब ख़राब हो गया। तो वो सब कुछ वीडियोज है, आप चाहो तो मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हो। और क्या क्या मैं यूज़ करता हूँ वो भी सब कुछ मैं अनबॉक्सिंग करके वो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो वायरल किस लिए गया था, क्योंकि उस टाइम पे सब लोगों को नीड था उस वीडियो का। और वो जो वीडियो मैंने बनाया था उस टाइम पे, वो ट्रिक किसी ने नहीं बताया, ठीक है। सब लोग बता रहे थे किस तरीके से मोड एपीके डाउनलोड करते हैं, मतलब बहुत कुछ बता रहे थे, वो सब मैं उस वीडियो में नहीं बताया, ठीक है। तो मैं थोड़ा अच्छा ट्रिक बताया जिसमें पब्लिक का कोई हैरेसमेंट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था। तो वो वीडियो सब लोग को पसंद आने लगा और सब लोग उस वीडियो को देख के सब लाइक करने लगे, कमेंट करने लगे कि अच्छा है वीडियो, अच्छा है। और व्यू देख मतलब देखते देखते मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और उस वीडियो से मेरा जो वॉच टाइम है वो सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वीडियो वायरल करने से पहले आप लोगों को वीडियो के बारे में सोचना है, ठीक है। आप किस कैटेगरी के वीडियोस बनाते हो और क्या क्या टॉपिक पे आप वीडियो बना सकते हो जो अभी यूट्यूब में नहीं है, ठीक है। तो वो टॉपिक आपके चैनल से रिलेटेड होना चाहिए, आपके सब्सक्राइबर से रिलेटेड होना चाहिए। तो वो सब अगर आप एक बार फॉलो करके अपने जो वीडियो के बारे में, कॉन्टेंट के बारे में सोचते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। आपका वीडियो एक दिन ज़रूर वायरल जाएगा। अगर वायरल भी नहीं गया तो आपका चैनल मोनेटाइज ज़रूर होगा। आपको चैनल सेक्शन में वीडियोस होना चाहिए, मेन पार्ट ये है। मैक्सिमम आप व्यूज़ के ऊपर मत देखिए, क्योंकि अभी के टाइम इनिशियल फेज में आपका जो वीडियोज़ है उसमें व्यू बहुत कम आएंगे, क्योंकि आपके चैनल में सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइबर रहते हैं तो आपको वीडियोज़ का इंप्रेशन बहुत जल्दी जाता है और कोई ना कोई आपके वीडियोज़ को ज़रूर देखता है। तो यूट्यूब जब तक आपका इंप्रेशन नहीं भेजता है अभी के टाइम में, तो आपका चैनल ग्रोथ जल्दी नहीं होगा। तो मैक्सिमम आप 5-7 महीने तक कंटिन्यू, मतलब 1 साल तक आप कंटिन्यू एकदम उसके पीछे लगे रहिए कि हर दिन एक वीडियो, हर दिन नहीं, आप 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर एक वीडियो डालिए तो भी चल जाता है, ठीक है। और वीडियो में आपको क्या करना है, आपका जो कंटेंट है उसमें फ्रेश कंटेंट होना चाहिए। कोई भी मतलब आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी मतलब क्या होता है, आप किसी के वीडियोज़ को देख के उस अपने अंदर उसको इंप्लीमेंट करके अपने तरीके से बोल सकते हो, इसके कॉपी नहीं बोलते हैं, ठीक है। और आप किसी को देख के ही सीखते हो, आप पहले से कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। मैं भी पहले से कुछ नहीं जानता था, पर अभी के टाइम पर जितना जानता हूँ वो उसमें मेरा काम चल जाता है, ओके। और मैं आपको सिखा भी सकता हूँ, इतना मेरा अंदर आ चुका है, उतना मैं घमंड नहीं करता हूँ, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को चलिए वो वायरल वीडियो के बारे में बताता हूँ और वायरल वीडियो को किस तरीके से आप अभी भी उसमें क्या क्या कहाँ से व्यू आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, सब कुछ उस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, फाइनली हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब स्टूडियो ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरा वीडियो वायरल गया था और कौन सा वीडियो वायरल गया था। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे एनालिटिक्स पे जाते हैं। एनालिटिक्स पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पॉपुलर वीडियो कौन सा है वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट 28 डेज लिखा है, तो यहाँ पे हम लाइफ टाइम कर देते हैं। लाइफ टाइम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, जियो सावन गो प्रो प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी, इसमें व्यू गया था 356,260 व्यू, ठीक है।
तो इसका मैं पूरा टोटल आपको यहाँ पे कितना अर्निंग हुआ है इस वीडियो से एक साल के अंदर पूरा आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और सब लोग सोचते हैं ना कि YouTube में जो भी वीडियो अपलोड करते हैं मतलब पैसों से वो लोग मालामाल हो जाते हैं, ऐसा सोचना एकदम गलत है। तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक साल में 3.5 लाख व्यू आया है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और इसका क्यों ये वीडियो वायरल गया सब कुछ आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 3.5 लाख यहाँ पे व्यू है। वॉच टाइम यहाँ पे देख सकते हो 11,000 करीब 12,000 घंटा यहाँ पे हमारा इस वीडियो से कंप्लीट हो चुका है। 12,000 मतलब 4,000 घंटे में आपका चैनल मोनेटाइज होता है। तो यहाँ पे हमारा इस वीडियो से मतलब 11,800 घंटा यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कितना सब्सक्राइबर्स यहाँ से हमें गेन हुआ है देख सकते हो 5,600 सब्सक्राइबर यहाँ पे हमें मिला है। देन यहाँ पे इस वीडियो का अर्निंग कितना है देख सकते हो, यहाँ पे पूरा लाइफ टाइम अर्निंग इस वीडियो का है $84.18। तो $84.18 से भी ज़्यादा होता है यूट्यूब मनी काट लेता है। तो 81 तो यहाँ पे इसको हम एक बार INR में हमारे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख लेते हैं कितना पैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करीब 6,168 रुपये अभी के टाइम पे मतलब 6,000 के करीब इस वीडियो से हमारा इनकम हुआ है। ओके, और इस वीडियो में व्यू कहाँ से आ रहा है वो देख सकते हो यूट्यूब सर्च से और सजेस्टेड वीडियो से। तो यूट्यूब सर्च किस तरीके से काम करता है, यूट्यूब सर्च काम करने के लिए आपको वीडियो में कुछ SEO करना पड़ता है। यूट्यूब सर्च में अगर आपका वीडियो आना है तो आपका वीडियो अगर यूट्यूब सर्च में डालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको डिटेल्स में जाना है। जाने के बाद आपको अपने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत आपको इस वीडियो के बारे में लिखना है कि क्या क्या दे रहे हो। हमने टाइटल भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है जो कि इसको हम SEO के मतलब SEO के अंदर थोड़ा सा अच्छा होता ही है अगर हम लोग टाइटल दे देते हैं तो। और यहाँ पर देख सकते हो और हमारा थंबनेल हमने बनाया था तब का ही थंबनेल है, थंबनेल हमने चेंज नहीं किया। और यहाँ पर टैग्स देख सकते हो, ये सारा टैग्स हमने डाला है। तो ये टैग्स हमारे यहाँ पर रैंक कर रहा है। थोड़ा बहुत टैग्स अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि मतलब बहुत दिन हो गया वीडियो का, उस वजह से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो मतलब एनालिटिक्स में जाके देखते हैं अभी भी हमारा दिन का यहाँ पे करीब 350-400 व्यू आता है इस वीडियो में। ठीक है, तो कंप्लीट इसमें इतना ही होता है। और एवरेज हमारा व्यू देख सकते हो परसेंटेज 42.9%, मतलब 40% अबव अगर कोई आपका वीडियो देखता है तो आपका वीडियो मतलब सजेस्टेड में जाता है। सजेस्टेड में कैसे जाता है, आप अगर YouTube में कोई भी वीडियो ओपन करते हो, मैं आपको एक बार डेमो के तौर पर एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इस वीडियो को ये आशीष चंचलानी का वीडियो है तो इसको हम पॉज कर देते हैं। इसके साइड में जितना भी वीडियोस आपको शो करेंगे ना, ये जितना साइड में देख सकते हो ये सारा वीडियो इसका सजेस्टेड में आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो का सजेस्टेड ये है। तो हमारा वीडियो भी किसी न किसी के वीडियो में सजेस्टेड में आ रहा था इस वजह से इसमें। और यूट्यूब ऑर्गेनिकली ये जो यूट्यूब सर्च और यूट्यूब सजेस्टेड वीडियो है, यूट्यूब सजेस्टेड और यूट्यूब सर्च में अगर आपका वीडियो आ जाता है तो आपका वीडियो आज नहीं तो कल कभी ना कभी ये बहुत ही मतलब ज़्यादा व्यू आपको अर्न करके देगा। ठीक है, और इम्प्रेशन CTR आप देख सकते हो, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट आपका जो मतलब आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये ऊपर की तरफ जितने भी थंबनेल आपको शो हो रहा है, ये थंबनेल देख के आप इसके ऊपर क्यों क्लिक करोगे, थंबनेल देखने के बाद ही क्लिक करोगे, पूरा वीडियो में क्या है वो इस एक थंबनेल के अंदर आपको समझाना है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अपना जो क्या बोलते हैं अपना थंबनेल बनाइए। थंबनेल कैसे बनाया जाता है सही तरीके से HD क्वालिटी का, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वीडियो देख लेना काम आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितने इंप्रेशन गया है, 3.6 मिलियन इंप्रेशन गया है। और यहाँ पे व्यू फ्रॉम इंप्रेशन के थ्रू व्यू हमारा 294.5K आया है और वॉच टाइम आया है 10,000 घंटा। ठीक है, तो ये जितना भी डिटेल्स आप देख सकते हो ये सब देख के आप थोड़ा बहुत एनालिसिस कर सकते हो। और यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, गूगल सर्च से भी हमारा वीडियो देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी सजेस्टेड वीडियो में हमारा जितना भी वीडियो है सभी में हमारा वीडियो सजेस्ट कर रहा है, इस वजह से ये इसमें अभी भी थोड़ा थोड़ा व्यू आ रहा है। ठीक है, करीब एक साल हो गया फिर भी थोड़ा बहुत व्यू आता है। और मैं सच बोलता हूँ, इस वीडियो ये वीडियो वायरल गया था इस वजह से मेरा जो चैनल
मैंने मोनेटाइज करवा पाया, ठीक है। और मेरा जो पेमेंट भी आया था, पेमेंट का वीडियो आपने नहीं देखा तो पेमेंट का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी आपको हेल्प होता है, कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, आप लोगों को देख के थोड़ा बहुत अपने अंदर मोटिवेशन ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो कोई भी गलत सलत वीडियो मत देखिए, कोई भी अलग क्रिएटर्स का वीडियो जो लोग सही आप लोगों को ट्रैक पे ले जाते हैं उन लोगों का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो मैं छोटा क्रिएटर हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर मतलब मेरे पास उतना मैन पावर नहीं है, मैन पावर मतलब क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स नहीं है, थोड़ा बहुत ही है और कुछ दिनों के अंदर वो भी आप लोगों को रिवील ज़रूर करूँगा। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं विक्रम मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहेगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर।